हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जांस मॉम व्लॉग्स। कैसे हो दोस्तों? मैं तो अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने नहा धो के और तुलसी जी की पूजा कर दी है, सूर्य भगवान की पूजा कर दी है। और अभी मैं नीचे जहाँ पे मैंने चौकी लगाई हुई है माता रानी की, वहाँ पे पूजा करने जा रही हूँ। पहले मैं उधर ही करूँगी, भगवान जी को नहलाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है अभी जल्दी, तो पहले मैं फटाफट वहाँ पे पूजा कर देती हूँ जहाँ माता रानी की चौकी रखी हुई है। ऊपर जहाँ मंदिर है वहाँ की पूजा मैं बाद में कर लूँगी उनके जाने के बाद में, क्योंकि फिर तो ज़्यादा लेट हो जाता है, ऊपर के साफ सफाई भी करनी पड़ती है दोनों जगह की। तो चलो, और आज है माता रानी का कौन सा 7वां नवरात्र, और आज बच्चों की PTM भी है, तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फिर PTM में भी जाना है मुझे, आज इनका रिजल्ट आउट होगा। चलो तो चलते हैं, पूजा करते हैं फिर। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी भोग, मेरी पूजा हो चुकी है संपूर्ण आज की। और मैं यहाँ पे इस तरह से डेली छोटा सा जो घर में होम करते हैं वो करती हूँ, उसके बाद मैं उसी में जो मैं घर पे बना के सामग्री रखती हूँ वो सारी बना के रखती हूँ, तो उसी की आहुति दे देते हैं 5-5 सारे मिलके। और लौंग का जोड़ा, इलायची, बतासे, ये सब हमारे वहाँ पे इस तरह से मतलब अग्यारी बोलते हैं इसे, वो डेली होती है। उसके बाद मैंने कपूर से कर दिया मैंने देवी मैया की आरती, और यहाँ बच्चे भी हैं, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो ये भी मेरे साथ में आरती करा देते हैं। और देखो माता रानी का दरबार इतना सुंदर लगता है ना, बड़ा अच्छा लगता है इन दिनों में, घर में एक अलग ही रौनक रहती है। और मैं पूजा का सारा सामान इस बेड पे रखती हूँ क्योंकि इस बेड को हम सोने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही उस रूम में लगाया हुआ है। और हम चल रहे हैं मंदिर के लिए और उसके PTM के लिए। दीदी जा रहे हैं, किसके दीदी के जा रहे हैं? जाएंगे पहले दीदी के या जांस? दीदी के, दीदी के, दीदी के। किसके स्कूल में जाएंगे? जांस के स्कूल पहले जाएंगे दीदी के, में दीदी की PTM अटेंड करके फिर जाएंगे जांस के स्कूल में। छोड़ो इसे तो छोड़ो। नहीं नहीं, पहले दीदी के में जाएंगे फिर जांस के में जाएंगे। और फिर अपन पहुँच गए बच्चों के स्कूल में। यहाँ पे पी भी जा रही है आगे आगे, बच्चों को थोड़ा सा लगता है एक्साइटमेंट भी रहती है और डर भी लगता है क्योंकि पी तो अभी बड़ी हो गई है। तो ये है पी का स्कूल और यहाँ पे हम ऊपर हैं इसकी क्लासेस, हम ऊपर चलते हैं पहले, देखते हैं क्या किया इन्होंने आज सारा कुछ है। ये जो बोर्ड दिख रहे हैं सब पे न्यूज पेपर लगाए हुए हैं, तो इनकी क्लास में सेंटर आया था बोर्ड क्लासेस का, तो उसी के लिए यहाँ पे मैं लगाए रखते हैं ना, वो सारे कवर कर रखे थे न्यूज़पेपर से। और वहाँ से PTM होने के बाद हम आगे हैं जेंट्स के स्कूल में, अभी हमें चलना है उसकी भी। तो दोनों बहन भाइयों के स्कूल अलग अलग हैं, ब्रांच मतलब अलग अलग ब्रांच हैं, स्कूल तो एक ही है जिसका किंडरगार्टन में है। तो यहाँ पे देखो ये बड़े अच्छे लगते हैं स्कूल में जब एंट्री करते हैं, तो ये दो छोटे छोटे से फौजी डॉक्टर ये लगाए हुए रखते हैं ना बच्चों के लिए, तो थोड़ा बच्चों को भी इससे अच्छा लगता है ये। तो पहले हम इसकी PTM में जाएंगे, वेलकम टू प्री प्राइमरी विंग, और उसके बाद में हम आगे आपको स्कूल में भी घुमाएंगे। तो यहाँ पे हम PTM करके बाहर आ गए थे इसकी डांस की, हाँ जा रहे थे तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो बाहर लगी हुई हैं क्लास के बाहर, और ये देखो क्लास कितनी प्यारी लगती है, बच्चों की क्लासेस बड़ी अच्छी लगती हैं सबकी, जहाँ से भी देखो अच्छा अच्छे से वो कार्टून ये सारी चीज़ें लगाए रखते हैं। ये जो इनके उसमें पार्क है स्कूल में, और यहाँ पे जांस बैठ रहा है इसके ऊपर जिराफ के ऊपर, कोई एक बच्चा देखो एलिफेंट के ऊपर, बच्चे अपनी लाइफ पूरी एंजॉय करते हैं, उन्हें तो कोई टेंशन है नहीं कि रिजल्ट है क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, होना भी चाहिए ऐसे ही, तभी बच्चे अच्छे से आगे ग्रो कर पाते हैं।
क्योंकि अभी से ही टेंशन ले लेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है उन्हें टेंशन लेने का करने का। और यहाँ पे देखो ये कितने अच्छे से लग रहे थे। ये झूलने के लिए नहीं है, बाकी ये वैसे ही बच्चों को दिखाने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जहाँ तो जब जाता है तो इसी जिराफ पे पक्का बैठता है। और यहाँ पूरे स्कूल में घूमने के बाद पीटीएम करने के बाद हम चल रही हैं अब घर की साइड। और यहाँ मैं इन दोनों को दे रही हूँ आइसक्रीम, दिलवा दिए क्योंकि इन्होंने बोला था अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आए तो हमें चॉकलेट आइसक्रीम दिलवाना, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ही दिलवाई है इस सीजन में। किस नंबर आए आपके? मेरे स्टार नंबर आया, स्टार आया। तो दोस्तों हम चलते हैं मंदिर में क्योंकि अभी मैं आई हूँ हमारे साथ साथ ये प्रसाद के लिए केला खरीद के लिए आई थी उधर से। अब मैं बच्चों के हाथ से उसे चढ़वा दूंगी। हम मंदिर में कीर्तन भी है तो साथ साथ आज उनका रिजल्ट भी आया है तो वो प्रसाद भी चढ़ा देंगे। वैसे भी अभी मुझे मंदिर में जाना है, कीर्तन हो रहा है तो मैं अभी चढ़वा देती हूँ। चलते यहाँ इन दोनों बहन भाइयों को मैं लेके आ गई थी मंदिर में माता टेकने के लिए और प्रसाद चढ़ा देंगे क्योंकि ज़रूरी भी होता है ये सब चीज़ें तो बच्चे सीखते भी हैं इन चीज़ों से कुछ ना कुछ, नहीं तो इन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है, खेलने में ही लगे रहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो बच्चों को भी हैबिट में आती हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ माता रानी का यहाँ पर दरबार लगा हुआ है इतना अच्छा सा। मंदिर में आने के बाद अलग ही खुशी मिलती है, ऐसे कुछ भी हो एक मन को सुकून मिलता है आने के बाद। लगता है यहाँ ढेरों घंटे बैठे रहो बात देखते रहो। Let's go.
तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर से वापस। कीर्तन खत्म हो चुका है, वक्त खत्म होते होते 3 बज गए हैं। पर स्टार्ट भी लेट ही हुआ था क्योंकि आज पहली बार हुआ था, तो 3 बज गया। मैंने कुछ भी खाना बना के नहीं की थी क्योंकि मैं पीटीएम से आई थी, तो प्रसाद लेके आई थी उधर से ही। तो मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए बच्चों को लेके चली गई थी, वहाँ पे कीर्तन स्टार्ट हुआ था, तो उसी में वहाँ पे कलश स्थापना करने में टाइम लग जाता है स्टार्ट करने में कीर्तन। मैं कुछ भी नहीं बनाया, बस मैं चावल भिगो के गई थी क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि चावल खा लेंगे हम। अब मैं आलू आलू डाल के और चावल बना दूँगी बच्चों के लिए, नॉर्मल से ही सिंपल, क्योंकि ये व्रत के नमक मिर्च वाले चावल बना दूँगे। ये बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, खाने में खुश होकर खा भी लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।